नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों 10 अप्रैल को मैदान और बीएमसीएम का क्लेश तो कंफर्म है और मैदान का ट्रेलर एक आ चुका है, दूसरा ट्रेलर कब आएगा इसके बारे में आज का वीडियो है। एडवांस बुकिंग के बारे में, स्क्रीन काउंट के बारे में, सभी के बारे में बात करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों काफ़ी बार फिल्म अटकी, आप जानते हैं, कई बार फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन्ड हुई, शायद ये रिकॉर्ड मैदान के नाम ही है। इतनी बार फिल्म पोस्टपोन्ड हुई, करीब 10 बार से ज़्यादा फिल्म पोस्टपोन्ड हुई होगी और करीब 3-4 साल से फिल्म बन करके तैयार है, रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन फिल्म को रिलीज अब किया जा रहा है, फाइनल हो गया अब तो, क्योंकि 10 अप्रैल रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। 5 डेज का वीकेंड है, ईद के अवसर पर रिलीज हो रही है। बड़े मियाँ छोटी मियाँ से टकराएगी, बोनी कपूर फिल्म को निर्माता है, अमित शर्मा ने फिल्म को डायरेक्ट किया है और दोस्तों अजय देवगन सर मुख्य भूमिका में, फुटबॉल कोच के किरदार में सैयद अब्दुल रहीम उनका नाम है। किस प्रकार से 1952 से 1962 तक भारतीय फुटबॉल को एक बुलंदियों तक लेके गए थे वो, और साथ में गजराज राव है, प्रिया मणि है। तो काफ़ी अच्छा ट्रेलर इसका फर्स्ट ट्रेलर आया था, एक सॉन्ग आया था मिर्जा सॉन्ग, वो भी काफ़ी पसंद किया गया है। AR रहमान का म्यूजिक है। हिंदी तमिल तेलुगु में फिल्म रिलीज हो रही है, 200 करोड़ के आसपास बजट है, तो बहुत बड़ी रिलीज है, लेकिन क्लेश है BMCM से क्लेश है, तो ये थोड़ा सा परेशान करेगा, दोनों ही फिल्मों को करेगा हालांकि, लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ की हाइप समय ज़्यादा है। विशेषकर आज ट्रेलर आया है तो ट्रेलर के बाद में ज़्यादा हाइप इसकी होनी है, हो गई है एक्चुअली आप कह सकते हैं। और जहाँ तक बात करें मैदान की, तो मैदान का प्रमोशन उतने बड़े लेवल पे किया नहीं गया है बोनी कपूर सर के द्वारा, ना ही अजय देवगन सर की तरफ से ज़्यादा प्रमोशन देखने को मिला है, क्योंकि फिल्म पहले ही ओवर बजट हो चुकी है। तो अब इसके ट्रेलर 2 का सब इंतजार कर रहे हैं। तो ट्रेलर 2 दोस्तों 2 अप्रैल को आएगा, लगभग कन्फर्म वही है, क्योंकि 2 अप्रैल को अजय देवगन सर का बर्थडे है तो उनके अपने बर्थडे के दिन ही 2 अप्रैल को ये ट्रेलर रिलीज करेंगे और उसके बाद में फिल्म क्या और बढ़ेगी। इसके बीच में अगर हो सकता है कि ये गाना आपको देखने को डेफिनेटली मिले, तो एक गाना आपको जरूर यहाँ पे सुनने को मिल सकता है इसके बीच में, लेकिन अभी तक मेरे पास जो खबर है उसके अनुसार 2 अप्रैल को ये ट्रेलर रिलीज हो सकता है। और दोस्तों जहाँ तक क्लेश की बात करें, एडवांस बुकिंग की बात करें, तो ये एडवांस बुकिंग करीब 4 तारीख को शुरू होगी, 4 या 5 तारीख को, 4 तारीख को कुछ जगह शुरू हो जाएगी, 5 तारीख को फुल फ्लाइट एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी। दोनों फिल्मों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और जहाँ तक स्क्रीन काउंट की बात करें, तो स्क्रीन काउंट का अभी काफ़ी मारामारी चल रही है दोनों फिल्मों में, दोनों IMAX में रिलीज हो रही है, तो IMAX में लगभग बराबर के शो मिल सकते हैं दोनों फिल्मों को। बड़े मियाँ छोटे मियाँ को थोड़ा एडवांटेज है यहाँ पे। और बाकी अगर ओवरऑल बात करें तो थोड़ा ज़्यादा स्क्रीन मिलेंगे बड़े मियाँ छोटे मियाँ को मैदान से, करीब 500 से 700 स्क्रीन ज़्यादा मिल सकते हैं, मतलब 3,500 के आसपास बड़े मियाँ छोटे मियाँ को मिल सकते हो, और करीब 2,500 से 3,000 के बीच में मैदान फिल्म को स्क्रीन मिलने की उम्मीद है। और अगर बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की बात करें, तो पहले दिन का जो प्रेडिक्शन आ रहा है वो 30 से 35 करोड़ की ओपनिंग नेट कलेक्शन, इंडिया नेट कलेक्शन की बड़े मियाँ छोटे मियाँ का आ रहा है, और करीब 13 से 15 करोड़ की रेंज का अभी फिलहाल है ही मैदान का आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है मैदान भी करीब ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है, जैसे ये ट्रेलर 2 आएगा थोड़ी हाइप बनेगी फिल्म की। तो ये कुछ जानकारी मैंने आपको दी इस वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय बोलना।